हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टेस्ट द हेलो लव। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारा। गुड नाइट। ये सारा, ये मेरा, सुबह हो चुका है। अभी हमारा ये कॉफी कॉफी पीने के लिए सब रेडी होके बैठे हैं। हम लोग डेली चाय कॉफी कुछ नहीं पीते क्योंकि ये ठंडा जास्ती, कोल्ड बाहर में बारिश, इसलिए गला थोड़ा पकड़ रहा है, इसलिए गरम गरम कॉफी अभी मजा लेंगे श्री सारा और मैं। 6-7 दिन के बाद आज थोड़ा धूप आया है। मैं सारा कपड़ा बाहर में दे दिया हूँ धूप में। ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा कर रहा है, बादल आया है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, इसलिए मैं सारा कपड़ा बाहर में दे दिया हूँ धूप में। श्रीभाली इधर पढ़ाई कर रहा है। 9, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4। श्रीभाली का पढ़ाई चल रहा है अभी। अभी खाना रेडी हो गया है, चावल, दाल और झुनगा आलू भाजी और इधर बैंगन फ्राई रेडी हो गया। और ये भाई टा हमके हमको बहुत हेल्प किए हैं। क्या है ना, मतलब वो वीडियो डालने में, वो कोलकाता का हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे को भी। तो देखिए, उनसे मिलिए और श्री सारा भी जानते हैं इनको अच्छा से। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। आप लोग अच्छा होंगे विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ। ऊपर वाला को प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे। ये आ गया है किचन, शायद किचन में नहीं है। वो खाना खा के वो रेडी हो रहा है वो सोने के लिए। उसका मम्मी क्या कर रहे हैं, सारा तो सो गया है और उसका मम्मी पैसा ढूंढ रहे हैं। वो श्री सारा कहाँ पर पैसा रख दिए हैं, तो वो लोग खेलते खेलते तो सब जगह में ढूंढ रहे हैं, वो परेशानी में हैं। तो दोनों माँ बेटी मिल के ढूंढ रहे हैं ये लोग, मतलब कि पैसा कहाँ रख दिए हैं। कितना पैसा गुम हो गया बेटा? ये बता नहीं है, कभी भी पाटा नहीं पड़ी। कितना रुपया? 1000 रुपया। तो ऐसा ही ये लोग खेलते खेलते, आज छुट्टी था बच्चा लोग का, तो ये लोग मोहर्रम का छुट्टी था ना, तो आज ये लोग खेलते खेलते कहाँ रख दिए हैं, तो ये लोग परेशान है पूरा। वो सारा तो किधर है? चलो, और सारा सो गया है, लेटा सो। अभी बच्चा कहाँ रखा है बोल के ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते उसको मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। ये लोग बच्चा लोग दिन भर छुट्टी रहता है तो इनका काम वैसा ही रहता है। ये लोग कहाँ रहे, क्या है, उनको पता नहीं है, वो सब होता रहता है घर में। चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। घर में ही है बच्चा लोग, बाहर तो नहीं है। बाहर तो गए नहीं है आज। देखें सब झाड़ो। हाँ, ये मिल गया, मिल गया। चलो बहुत अच्छा, आखिर में पैसा मिल ही गया। और मम्मी का और श्रीवाली का दोनों का परेशानी खुश, उसका मम्मी का मुंह में स्माइल आ रहा है, आखिर मिल गया, उसका मम्मी खुश है। मिल गया तो कितना खुशी में वो स्माइल दे रहा है। पैसा तो मिल गया हमारा बहुत ढूंढने का बाद। और श्रीभाली का याद आया कि वो पिलो की कवर के अंदर छुपाया है, वो खुद ढूंढ के उसको निकाला। और मैं तो बहुत परेशान में था क्योंकि 1000 रुपया था, इसलिए बहुत किचन, 2 रूम बहुत ढूंढने का बाद भी मेरे को नहीं मिला, श्रीभाली ही उसको ढूंढ के निकाला। अभी मैं आ गया हूँ किचन में और ये एग का एक रेसिपी आपका साथ शेयर करूँगी। पहले मैं कढ़ाई में ऑयल दे दिया हूँ
और ऑयल गर्म होने का बाद में अदरक लहसुन का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट हाफ चम्मच डाला हूँ और एक ग्रीन चिली, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ब्राउन कलर होने तक। तो उसके ऊपर हम डालेंगे ओनियन, मैं 4 स्मॉल साइज का ओनियन लिया हूँ, 4 एग और 4 ओनियन और 2 पोटैटो। पहले मैं ओनियन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। ये जल्दी बनने वाला एक रेसिपी, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मेरे को खाना बनाने में, इसलिए मैं जो भी जल्दी बनता है उसी को ही ट्राई करती हूँ। ये ओनियन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, जिसके पास टाइम नहीं है उसको ट्राई कीजिएगा, ये अच्छा लगेगा आपको। मेरा ओनियन इधर फुल फ्राई हो गया है और पूरा रेड ब्राउन तक हो गया। उसके ऊपर हम अभी डालेंगे पोटैटो, ये देखिए फुल ब्राउन कलर हो गया है। उसके ऊपर हम पोटैटो डालेंगे, मैं 2 स्मॉल साइज का पोटैटो लिया हूँ, उसको छोटा छोटा पीस में कट करके डाल दिया हूँ। उसको भी हम पोटैटो और ओनियन को मिक्स करेंगे अच्छा तरह से, और वो भी पोटैटो भी ओनियन के साथ डालने के बाद वो भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ जाता है, क्योंकि ये पोटैटो हम कम लिए हैं, 2 पीस लिए हैं छोटा साइज, और ओनियन ज़्यादा, इसलिए वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा और नमक टेस्ट के अनुसार। वो उसको डालने का बाद इधर ज़्यादा भी मसाला नहीं लगता है, क्योंकि नॉनवेज में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट या चिकन मसाला डालोगे तो वो बहुत टेस्ट आता है, इसलिए सारा मसाला मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे, और इसी टाइम में आप गैस को सिम करके डालोगे तो अच्छा, क्योंकि नहीं तो आपका मसाला जो सूखा मसाला पाउडर मसाला वो नीचे चिपक सकता है, इसलिए आप फुल सिम में ही उसको ओनियन जब तक ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आप उसको सिम में फ्राई कीजिएगा। और फुल फ्राई होने का बाद हम डाल दिए हैं 4 एग, उसको भी मैं छोटा पीस में कट करके डाला हूँ, और छोटा छोटा पीस में उसको कट करके डाल के अच्छा से उसको मिक्स कीजिएगा। मैं भी मिक्स कर रहा हूँ अभी। अच्छी तरह से मिक्स होने का बाद उसको कवर लगा के आप और 2-4 मिनट उसको फ्राई करेंगे। फुल सिम रहेगा गैस और उसके ऊपर हम ढक्कन दे के उसको कुक करेंगे। 2-3 बार इसके बीच बीच में उसको ढक्कन खोल के आप चेक कर सकते हो कि एग भी थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाएगा, जब तक आपको पता चल जाएगा वो हो गया बोल के। इसलिए मेरा तो हो गया, मैं गैस कर दूँ, अब रेडी हो गया। और इधर भी मैं श्रीभाली के लिए चावल दाल और वो बॉयल एग का भाजी और सेमिया भी बनाया था शाम को, तो दे रहा हूँ सारा श्रीभाली को खाने के लिए। सारा तो सो गया है, श्रीभाली खाना खा रहे हैं अभी, और पैसा गुम हो गया था इसलिए थोड़ा टेंशन में थे, क्योंकि श्री वो पैसा को छुपा दिया था, क्योंकि श्री बोल रहा है कि सारा ढूंढ के उसको निकालेगा, इसलिए वो छुपा दिया, उसको और याद नहीं है, वो छुपा दिया था। इसलिए मैं सारा स्लैब सेल्फ फुल ढूंढा, नहीं मिला। वो खुद बोला कि मम्मी मैं यहाँ छुपाया हूँ, वो खुद निकाला वो पैसा को, इसलिए थोड़ा हम लोग शाम का टाइम बिजी रह गए थे वो पैसा ढूंढने में। और खाना भी तो मेरा हो गया है, किचन का काम हो गया, श्री भाली अभी खाना खा रहा है, सारा सो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और मैं दूसरा वाला वीडियो में बोला था वो बॉस के पास जो चर्च है, वो चर्च नहीं मस्जिद था, मैं गलती में बोल दिया था, इसलिए सॉरी। और आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।